सो बीजीआईएस सेमीफाइनल्स वीक टू का डे थ्री खत्म हो चुका है, तो कौन सी टीम कैसे परफॉर्म की है, कौन सी टीम एलिमिनेट हो चुकी है और यहाँ पे किसके पास चांसेस है, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। तो पहले स्टैंडिंग्स देख सकते हो, कार्निवल गेमिंग टॉप पे आ चुके हैं, बढ़िया खेले, शुरू का गेम में बहुत अच्छा निकाले थे फिनिशेस, शायद 50 से 60 पॉइंट निकाले। फिर मोगो ईस्पोर्ट्स, ये तो भाई कंसिस्टेंट खेलते हैं, चिकन तो भाई एक ही आया है लेकिन कंसिस्टेंट है। फिर वेनम गेमिंग, ये भी अच्छा खेले हैं, कंसिस्टेंट है। लिम्रा, इनका भी यहाँ पे एक दो गेम बढ़िया गया था। फिर लाइव राइवलरी, ये भी कंसिस्टेंट है। गैलेक्सी, इनका एक चिकन आया था, बट एक चिकन नहीं मतलब अच्छा खेले थे, हाई फिनिश था पहला गेम में शायद। फिर उसके बाद रेकनिंग कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, 8-bit लास्ट दो गेम में कंसिस्टेंट खेले हैं। सो भाई कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद आरटीजी आईएनडी आ चुके हैं, भाई दो चिकन निकाले हैं बैक टू बैक, तो भाई कमबैक तो हुआ है। उसके बाद है हैदराबाद हाइड्रास, थोड़ा सा नीचे आया, एनडीटी नीचे आ चुके हैं। फिर इनसेन है, उसके बाद आईएस, वोल्टेक्स गॉडलाइक, फिर मैग्नेट, एलसी, टीएचडब्ल्यू, सेवन सोर, एलओसी, आईएनएस, एनआईवाई एंड प्राइम। तो ये हो गया। अब जो लास्ट चार्ट में देख रहे हो, तो लगभग टीम्स एलिमिनेट हो चुके हैं। एक दो टीम अगर कल बहुत बढ़िया खेल लेते, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ जो है वो 115 के अप्रोक्स जाने ही वाला है, 110 तो क्रॉस करेगा ही, तो भाई यहाँ पे बॉटम को जो टीम्स है लगभग 65 पॉइंट्स है, तो वो लोग को भाई 50 पॉइंट निकालना पड़ेगा। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस तरह परफॉर्मेंस रहा है तीन दिन में चांसेस कम लग रहा है। और गोडला का भी सेम वैसा ही है, गोडला का परफॉर्मेंस आज एकदम खराब रहा, पहला गेम बहुत बेकार, सेकंड गेम में थर्ड गेम में फिनिशेस निकाल रहे हैं। एडमी ने तो भाई बहुत अच्छा खेले है, लेकिन लास्ट गेम में भी यहाँ पे फिनिशेस थोड़ा मोड़ा निकला उतना भी नहीं, पोजिशन पॉइंट मैटर करता है। फिर एनटीटी, उनका भी यहाँ पे खराब रहा गेम। सो क्या लगता है कौन सी टीम क्वालिफाई करिए कमेंट में बताना। अब यहाँ पे कुछ हाईलाइट मोमेंट है, कुछ बढ़िया क्लचेस है, वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ ही यहाँ पे डालूंगा जो बढ़िया मोमेंट्स था। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। कोशिश तो है लेकिन उतरना पड़ेगा जूसी को भी, वो नॉक उनको निकालना है, पर डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ गया, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। ऊपर से इन्फर्नो स्क्वाड, वो बमबारी करते हुए नजर आएंगे, टीम आरटीजीएक्स आईएनडी, उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई। अब मात्र एक खिलाड़ी जिनको आगे आना पड़ेगा, पीछे से ब्लू जोन का जो डैमेज है वो भी देखने को मिल रहा है, और 8-bit की तरफ से जो ग्रेनेड्स है वो भी आएंगे। आरटीजीएक्स आईएनडी वो करे तो करे क्या, बट इसी बीच टीम गैलेक्सी की बात करें, वो भी ग्रेनेड की जो बौछार है वो करते हुए नजर आ रहे। टीम प्राइम के क्रोकोडाइल वो आगे आए तो है, बट समहाउ अदरवाइज वो रिवाइवल वहां पर संभव किया जा सकता था, पर इन सब के बीच में लिम्रा, वो चाहते हैं कि यहां पर फिनिशर्स निकाले जाए, बढ़िया तरीके से टॉच किया, एक बार फिर से उन्होंने टॉच किया। एसपी मुझे लगता है थोड़ी सी रेंज ज्यादा है शॉटगन के लिए, थोड़ा पास होता तो ज्यादा बेहतर रहता, बट वो यहां पे डाउन हुए। कार्निवल गेमिंग, दे आर जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट, आखिरी प्लेयर को भी स्पॉट किया, उनको भी खत्म किया। दूसरी तरफ एडमिनों की बात करें, उन्होंने टीम प्राइम के एक खिलाड़ी फिलहाल के लिए कार्निवल गेमिंग वो तैयार है इस फाइट को एग्जीक्यूट करने के लिए, तैयारी कर ली गई है, ग्रेनेड से स्वागत करने को तैयार है, और वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा बढ़िया, सौरभ खुद ही आकर्षित कर लेते हो अपनी तरफ की, वो जो नॉक से एलिमिनेट किया जा सकता है। पर एडमिनो देखिए कोशिश टीम गॉडलाइक के द्वारा, वो शॉट के कनेक्शंस आएंगे और वो एडमिनो खराब होता है, हो सकता है इनफर्नो स्क्वाड वो आपको आगे जाते हुए दिखाई दे। टीएसडब्ल्यू, उन्होंने भी पीछे से प्रहार किया, जहां पर कार्निवल का एक खिलाड़ी नॉक गिराए गए, अक्षत वहां पर जो रिवाइवल था उन्होंने एग्जीक्यूट किया, सब उन्हें भी अच्छे मौकों की तलाश थी, वो मौका उनको ऐसे वो कमाल दिखा सकते। पर मैं देखना चाहता हूँ कि हैदराबाद हाइड्रास, उन्होंने अभी तक पुश क्यों नहीं किया, पर इन सब के बीच में डेस्टिनी सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी बाहर है, आसानी से वो सर्कल के अंदर आ सकते हैं, पर राइवलरी उन्हें भी अंकों की जरूरत है, 8-bit उन्हें भी अंकों की जरूरत है, बिजलू वो भी डाउन के मैच में, हर हाल में वो प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए होगा आखिर। जी हाँ, ग्रेनेड का जो प्रहार है वो आ रहा है, चलिए आलतू को डाउन किया जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं है, और एक और स्प्लैश डैमेज वाला ग्रेनेड, और ये लीजिए दूर अपनी टीम से निकल कर आए बाकी दो खिलाड़ी, उनको साथ देने की जरूरत है, अगर वो सही समय पर आगे टीम को बचा पाते तो बहुत सारी चीजें बदली जा सकती है। रैल पे वो वहां पर डाउन कर देंगे, मैक एक और बढ़िया शॉट दिया गया।